रासायनिक खेती जहर है जहर है जहर है। नमस्कार, शाश्वत योगिक खेती टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, शाश्वत योगिक खेती और कुछ नहीं, प्रकृति के साथ तादात्म्य बैठाना, प्रकृति के साथ संबंध जोड़ना, अपनी जड़ों की तरफ लौटना, धरती को माँ मानना, परमपिता परमात्मा के साथ पिता का संबंध जोड़ करके उनसे ऊर्जा लेकर के सकारात्मक ऊर्जा फसल को देना, बीज को देना, यही शाश्वत यौगिक खेती है। कार्यक्रम की पिछली कुछ कड़ियों में हमने जाना कि शाश्वत यौगिक खेती में किस तरह से बीज को संस्कार दिए जाते हैं, किस तरह से ज़मीन से बातचीत की जाती है, धरती माँ से बातचीत की जाती है। और पिछले एपिसोड में तो आपने बहुत सारे अनुभव भी सुने, और वो अनुभव शाश्वत यौगिक खेती क्या है इसकी परिभाषा को पूर्णतया स्पष्ट करते हैं। शाश्वत यौगिक खेती को और अच्छे से समझने के लिए एक बार फिर हमारे बीच में मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारी मनीषा बहन, कोल्हापुर महाराष्ट्र से। दीदी, मैं शाश्वत योगी खेती टॉक शो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ओम शांति। और ये वो विशेष आत्मा है या वो विशेष शख्सियत हैं जिनके मन में पहली बार संकल्प उठा था कि कृषि में भी राजयोग के प्रयोग किए जा सकते हैं और पर्यावरण तथा फसल खेती को जहरीला होने से बचाया जा सकता है। दीदी, आप हमें बता रहे हैं कि शाश्वत योगी खेती में किस तरह से राजयोग के प्रयोग होते हैं। आपने बीज संस्कार समझाया, आपने ज़मीन से बात करना सिखाया, प्रकृति से संबंध स्थापित करना सिखाया। मैं जानना चाहूँगा कि खेती तो अपनी जगह हो ही रही है, हम यहाँ संबंध स्थापित करने की बात कर रहे हैं, और हर स्टेप पर आप कहते हैं कि परमात्मा से शक्तियाँ लेकर के हमें सकारात्मक ऊर्जा देनी है, पौधों को भाई मानना है। खेती में तो और भी बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, चाहे हल चलाना हो, घास काटना हो, फसल काटना हो, कीटनाशकों का छिड़काव हो, हर स्टेप में किस तरह से राजयोग का प्रयोग आप करते हैं। मैं मुख्यतः यह जानना चाहता हूं कि जब भी आप राजयोग की बात करते हैं तो जिस तरह से संबंध स्थापित करते हैं, जिस तरह से बातचीत करते हैं, मन की मीठी मीठी बातें जो करते हैं, वो बातें क्या होती हैं हर स्टेप पर। जैसे कि पहले आता है जमीन को तैयार करना, मशागत करना जी, उसमें लाइन बनाना होता है, मना नांगर चलाना होता है, अलग अलग उसमें किया जाता है। तो उसके पहले भी पहले धरती माँ को बोला जाता है कि माँ कल हम हल चलाने वाले हैं, तो हल चलाते समय तेरे को थोड़ी तकलीफ होगी। जैसे डॉक्टर लोग होते हैं, ऑपरेशन करना होता है, ज़रूरी होता है ऑपरेशन करना जी। तो पहले मरीज का मानसिक लेवल पे तैयार करते हैं, शारीरिक लेवल पे भी और मानसिक लेवल पे भी, उसको कुछ दवाएँ दे के फिर उसको मानसिक लेवल पे भी वो तैयार हो जाता है, शारीरिक लेवल पे भी तैयार हो जाता है। तो फिर वो काट छाट करते हैं तो कुछ उसको भी अच्छा लगता है और डॉक्टर भी सही रीति से काम करते हैं। लेकिन वो जब तक मानसिक लेवल पे तैयार नहीं होता तब तक वो ऑपरेशन नहीं कर सकते। हाँ, वो डर घबराहट हाँ, और एक डॉक्टर के प्रति भी चिढ़ हो जाती है कई बार तो। तो इसी तरह से यहाँ भी हम लोग धरती के साथ, धरती हमारी माँ है तो उसकी उसी के ऊपर ही हल चलाना है। हाँ जी। तो उसको पहले हम बताते हैं कि हे माँ कल या हल चलाने वाले हैं जी, तो आप हमें सहयोग देना हाँ। क्योंकि हल चलाएंगे तो अच्छी तरह से तुम फसल दे सकती हो, तो कल हल चलाने के लिए आने वाले हैं तो आपके पास के जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसको नीचे लेके जाना। अच्छा। ताकि वो हल में ना आए। Okay. और उनका हल लगाने से एक बात वो मना नष्ट न हो जाए तो हम उसका नीचे लेके जाना। ठीक है। और फिर जब हम आते हैं करने के लिए तो जब किसान भाई लोग चालू करते हैं तो जैसे कि पूजा वगैरह करते हैं, जैसे पहले भी भारत में पूजा की करते थे जी, जी, नारियल चढ़ाते थे, उसी तरह नारियल चढ़ाते हैं, फिर माँ से बोलते हैं कि माँ
मैं हल चला रहा हूँ, तुझको दुख तो नहीं देना है, लेकिन तू और सबके लिए तैयार हो जाए और सबको अच्छा बनाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो करूँ ना, ऐसे उसकी परमिशन लेके फिर वो हल चलाना चालू कर देता है। ठीक ठीक। फिर बीच बीच में भी पूछता है, माँ तेरे को कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही है ना, अच्छी तरह से हो रहा है, और वो माइंडलेस जैसे कि बहुत मना उसका प्यार, वो मना उसके आँखों से उसके भावनाएं बहुत प्यार की उमड़ आती है। ओके, बिल्कुल आएंगे। हाँ, तो पहली बार भी जब आप बता रहे थे कि धरती माँ से किस तरह से बात की जाती है, तो वो आप कह रहे थे कि वाइब्रेशंस फैल जाते हैं। हाँ, भाई माँ और पुत्र से बड़ा रिश्ता क्या है, और धरती पुत्र ही कहे जाते हैं किसान, तो जब ये भाव हो रहे होते होंगे, जब ये बातचीत हो रही होती होगी, तो मैं समझ सकता हूँ कि कितनी पवित्रता वहाँ पर फैल जाती होगी। तो बहुत अच्छा वहाँ का वाइब्रेशन, और जैसे धूप में भी वो लोग, उन्होंने किसान भाई बहने बताते कि दीदी हम जब ऐसे बोलते हैं, हम धरती माँ को ऐसे करते हैं, तो पवन भी ठंडा आने लगता है। अच्छा। और जहाँ पे हम 2 घंटा काम करने वाले होते हैं धूप में, वहाँ 4 घंटा काम कर लेते हैं, कर पाते हैं, ऐसा उनका अनुभव है। ठंडी पवन की वजह से, ठंडे पवन की वजह से प्रकृति और मदद करती है। हाँ, मदद करती है। तो वो होने के बाद मना फिर हम लोग वहाँ जाके बैठ के भी योग करते हैं, जमीन शुद्धिकरण करने के लिए। जी, जी। एक हल चलाते समय उसका योगदान होता है। जी। उसके बाद शाम को 6 बजे, मना हर समय अलग अलग होता है, लेकिन सोनेरी किरणें धरती पे आने चाहिए सूर्य की, उस समय भाई बहने ग्रुप में जाके योग करते हैं, और 5 तत्वों को वाइब्रेशन दिया जाता है, और उसमें फील करते हैं कि शक्ति अंदर जा रही है। Okay. और पूरी धरती शक्तिशाली बन गई, ऐसे शाम के समय पर महसूस किया जाता है। योग करते हैं। हाँ, उसके बाद पानी देने का काम होता है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा हमारे सभी देखने वालों से। दीदी ने बताया कि नारियल फोड़ा जाता है जब भी हम हल चलाने जाते हैं। मैं समझता हूँ हम सब ये कार्य करते हैं किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले, लेकिन ये एक परंपरा मात्र बनकर के रह गया है, एक शगुन मात्र बनकर के रह गया है कि बस करना है सो कर दिया। लेकिन मन के जिन भावों की यहाँ पर बात हो रही है कि धरती को माँ समझ करके हल चलाते वक्त पूरे समय बात करते रहना, ये पूछते रहना कि हे माँ कहीं तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही, इन भावों को कहीं ना कहीं हमने पीछे छोड़ दिया है। और इन भावों को मन में जागृत करना, धरती से माँ का संबंध स्थापित करना, यही शाश्वत यौगिक खेती है। हल चलाते वक्त किस तरह से बात की जाती है, किस तरह से सकाश दिया जाता है, ये अभी हमने जाना मनीषा दीदी से। अब बात आती है कि जब पानी दिया जाता है उस वक्त। तो पानी जो है, हम लोग पानी को तो शीतल कहते हैं जी, लेकिन पानी का सबसे बड़ा गुण है निर्मलता। निर्मलता माना ही पवित्रता, और जैसे उस भाव से, पवित्रता के भाव से जब हम पानी में काम करते हैं, हाँ जी, तो वो पानी चार्ज हो जाता है। ओके। और फील करते हैं हम लोग पानी, जब पानी पौधों को, फसल को देना होता है पानी, तो क्या हो जाता है कि हम फील करते हैं कि परमात्मा से पवित्रता की और शक्ति की किरणें उसमें जा रही है। पानी को पहले से ही ऑर्डर दिया होता है जी, कि आपको विटामिन्स, प्रोटीन्स पौधों को देना है। ओके। तो जैसे ही पवित्रता और शक्ति की किरणें उसमें जा रही है, तो पानी के अंदर विटामिन्स, प्रोटीन तैयार हो रहा है, और एक एक पौधों को मिल रहा है जी, वो प्रोटीन विटामिन्स मिल रहे हैं, ऐसे फील करते हैं। और जल देवता को कहते हैं कि आपका बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि आपके निर्मलता से ही मनुष्य आत्माओं की वाइट वृत्तियों को नष्ट कर देगी, इसीलिए आप अपने गुणों सहित इस खेती के अंदर काम करना, ताकि पूरी सृष्टि के अंदर जो बुराई बढ़ रही है, वो ये अनाज खाने के बाद वो बुराइयाँ खत्म हो जाए और उनमें नैतिकता बढ़ जाए, उनका चरित्र श्रेष्ठ बन जाए, और चरित्रवान भारत बनाने के लिए आप अपनी निर्मलता के साथ यहाँ काम करिए, ऐसे। और फिर वो वाइब्रेशन अंदर जा रहे पानी, बहुत मना जल देवता बहुत खुश होके काम कर रहा है, ऐसे किसान भाई बहने फील करते हैं।
महसूसता हाँ, के महसूस, साथ हाँ, संकल्प भी कर रहे हैं और उसे महसूस भी कर रहे हैं और इतना महसूस करें इसका हमने अनुभव देखा कि कई बार अभी मई मास में पानी नहीं होता है, जैसे गन्ने का पीक होता है तो इसी समय उनका स्टेप बढ़ने का काम होता है ना, और जो पैरे होते हैं वो इसी टाइम बहुत बढ़ते हैं जी। तो पानी नहीं मिलता है तो जब जल देवताओं को लोग आह्वान करते हैं कि आप हमें मद मना आपका जरूरी है, तो कई बार हमने ये अनुभव किया हुआ है कि जो कहीं पे बरसात नहीं है लेकिन अपनी योगिक खेती के यहाँ बिजलियाँ चमक के बहुत बरसात हो गई है। अच्छा। उसका भी शास्त्रीय कारण है जी। उसके भी जितनी बिजली गन्ने के खेत के ऊपर चमकेगी उतना हवा में जितना नत्र होगा वो घन रूप में जमीन में स्थिर होगा। अच्छा। और उसका माना स्टेप बढ़ने के लिए शक्ति के लिए काम में आएगा। क्या बात है, आप बहुत खेती से जुड़ी बहुत बारीक बातें बता रहे हैं। आपने तो सिर्फ बागबानी की थी, ये इतनी महीनता खेती से जुड़े जो महीन बातें हैं ये कैसे आई सब सीखने? ऐसे पहले क्या हुआ कि हम लोग योग करते थे, बिजली चमकती थी हाँ जी, तो इसका कुछ मालूम नहीं था जी। तो जैसे जैसे हमारे पास जैसे शास्त्रज्ञ वो खेती देखने को आते थे हाँ जी, तो पर एक एक बात उन्होंने हमको बता दी, रिवील करते होंगे हाँ, अपने अपने हाँ, अनुभव ऐसा शास्त्रों में लिखा है ऐसे पुराण नहीं, उन्होंने जो स्टडी किया है जी, जी। जैसे कि नत्र स्थिर हो जाता है जितनी बिजली चमकेगी तो फिर उन्होंने उनसे साथ बातचीत हुई तो ये चीज हमको पता चली कि बिजली चमकनी चाहिए, जितनी बिजली चमकेगी आकाश में उतना नत्र स्थिर हो जाएगा। आप एक शुभ काम करना शुरू कर चुके थे हाँ। और धीरे धीरे आपको ये पता चलता गया कि हाँ। आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं हाँ। और फिर अनुभव भी आपको वैसे मिले ही मिलते गए, क्योंकि पीला गन्ना हरा बन जाता है एक बरसात होने के बाद जी, तो उसमें क्या चीज हुई तो इसमें पता चला कि बिजली चमकने के कारण नत्र स्थिर हुआ, उसको जो नत्र की जरूरत थी इसके कारण वो पीला हो गया था फिर वो हरा हो गया। इसलिए पानी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जैसे आकाश तत्व हमने पीछे देखा कि आकाश तत्व महत्वपूर्ण चीज है, ऐसे पानी भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है मिट्टी और पौधों को आदान प्रदानता के लिए जी। जैसे कि अनाज तैयार हो जाता है तो वो पानी से ही पौधों तक जाता है जी। और पौधों से जो हरिद्रव्य तैयार होते हैं वो बैक्टीरियों को काम करने के लिए नीचे आते हैं तो उसके लिए भी पानी की जरूरत जी जी। हर प्रक्रिया जो पौधे की कार्य प्रणाली चलती है उसमें पानी की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, पानी नहीं होगा तो सब प्रणाली रुक जाती है और ज्यादा भी पानी होगा तो भी नुकसान माना बहुत, जैसे कि अभी किसान लोग क्या करते हैं पूरा पानी बहुत डाल के रखते हैं तो जितना पानी खेत में होगा जाता उतना वो केस माना तंतु जो मूल होता है जड़ होता है तंतु जड़ वो जितना टाइम पानी रहेगा उतना टाइम उसका काम बंद हो जाता है और जितना टाइम उसका काम बंद हो जाता है उतना टाइम बैक्टीरियों का काम बंद हो जाता है तो उतना टाइम पौधों को अनाज नहीं मिलेगा खाना नहीं मिलेगा तो उन्होंने सेव किया हुआ वो खाना खा सकते हैं हाँ जी। चार दिन पानी रहेगा ना खाना नहीं मिलेगा, वो अपना भोजन नहीं जुटा पाएंगे हाँ जुटा पाएंगे ठीक ठीक बिल्कुल। तो इससे फिर पौधे कमजोर बन जाते हैं जी। इसीलिए आवश्यकता है उतनी ही पानी देंगे और वो सही ढंग से देंगे तो बहुत अच्छा फसल हमें प्राप्त हो सकती है। ये बिल्कुल तय बात है कि आप खेती कर रहे हैं, खेती में बाकी सब नियमों का ध्यान रख रहे हैं लेकिन यदि आप पांच तत्वों से संबंध स्थापित नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप शाश्वत यौगिक खेती नहीं कर रहे हैं और अगर आप शाश्वत यौगिक खेती नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पर्यावरण को प्रकृति को और फिर पैदा होने वाली फसल पैदा होने वाली नस्ल तक को नुकसान पहुँचा रहे हैं। दीदी ने अभी तक जो भी हमें बताया है उस बात को स्पष्टता से समझने के लिए आइए इस पर एक कमेंट्री सुनते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि फसल को पानी देते समय किस प्रकार राजयोग अभ्यास करना है।
मैं चैतन्य ज्ञान गंगा सारे खेतों को चैतन्यता के पवित्र जल से पावन कर रही हूँ। इन वरदानी बूंदों के स्पर्श मात्र से सारा खेत शक्तिशाली बनता जा रहा है। मेरी पवित्रता, दिव्यता और अलौकिकता का प्रकाश चारों तरफ पानी में फैल रहा है। सारा ही खेत रूहानी प्यार भरे इस जल के प्रवाह से जीवन प्राप्त कर रहा है। दोस्तों, जितना अच्छी तरह से हमें दीदी समझाती हैं, वीडियो में भी हमें वह बात स्पष्ट हो जाती है। आइए खेती में जो अन्य स्टेप्स हैं जहां पर हम राजयोग का प्रयोग कर सकते हैं, मनीषा दीदी से जानते हैं। दीदी, घास काटना एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है खेती के दौरान। जब ये घास काटी जाती है, या मैं तो कहूँगा कि जब इसको आप एक साथ भी बता सकते हैं कि जब फसल भी काटी जाती है, तब आप किस तरह से राजयोग का प्रयोग कृषि में करते हैं? फसल काटना अलग चीज है जी, और घास फूस निकालना अलग चीज होती है जी। जैसे कैट होती है, वो अपने बच्चे को पकड़ती है तो वो बहुत स्मूथ पकड़ती है, बिल्कुल ठीक। और वही चूहे को पकड़ेगी तो वो अलग पकड़ेगी, मुंह एक ही है जी, लेकिन चीज अलग अलग है जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से घास फूस निकालते हैं हाँ जी, तो उस समय की भावना अलग होती है ओके। और जब हम फसल को निकालते हैं हाँ जी, उस समय की भावनाएं अलग होती है। मैंने इसलिए ही कंबाइन करके पूछा था, क्योंकि हम कटाई कर रहे हैं तो हाँ, क्या इसमें कुछ अंतर आता है? अंतर आता हाँ, है, वो आपने बता ही दिया है उदाहरण के साथ। तो इसीलिए घास फूस जब निकालते हैं तो घास फूस निकालते समय हमें ये भावनाएं इमर्ज रखनी है कि घास फूस को भी बोलना है, हम आपको इसलिए निकाल रहे हैं कि यहाँ जितनी स्वच्छता है आपका उपयोग है, नहीं है ऐसे नहीं है, लेकिन यहाँ पर फसल अच्छी आने के लिए आपको हम निकाल रहे हैं जी। और पौधों के साथ जब हम बातें करते हैं तो पहले दिन भी, घास फूस निकालने के पहले दिन भी हमें पौधों के 10 मिनट जाके योग करना है ओके। कल घास फूस निकालनी है तो आज रात को जाके बात करनी है ठीक, फसलों के साथ, धरती माँ के साथ कि है फसल, है धरती माँ, जो भी फसल का नाम हो, गन्ना हो, गेहूं हो, कि कल हम आपकी सब आपके आजू बाजू की सफाई करने के लिए आने वाले है जी, जी। तो आपका हमें बहुत सहयोग चाहिए क्योंकि जब हम आपके पास सफाई करेंगे तो हमारा जो खुरफा है आपको लग सकता है, तो इसमें आप थोड़ा हमें सहयोग देना। और धरती माँ को भी बोलना कि हे धरती माँ, कल हम आपके यहाँ का जो अनावश्यक है वो निकालने के लिए आए हैं, तो आप कल थोड़ी बैक्टीरियों को नीचे लेके जाना ओके, ताकि हमारा खुरपा लग के वो नष्ट न हो जाए, हमें उसकी जरूरत है जी। तो इसी तरह से पहले दिन उनको कल क्या करने वाले हैं वो दोनों को बताएंगे, तो कल जब हम सुबह 9 बजे घास फूस निकालने के लिए जाएंगे तो वो भी तैयार रहेंगे जी जी जी। तो उस समय फिर हम पौधों से बात करनी है, पहले 10 मिनट फिर हमें चालू करने के पहले परमात्मा शक्ति देनी है ओके। परमात्मा शक्ति से आज हम आपकी सेवा में आए हैं, तो सेवा करते समय कुछ हमारे से ऊपर नीचे होगा तो आप माफ कर देना या आप बता देना हाँ जी। तो इसी तरह से हम उनसे बात करते हैं जी। फिर एक एक पौधों से बात किया जाता है जी, जी। कि जैसे समझो गन्ना का खेत है, यहाँ पर गन्ना है और आजू बाजू का घास फूस निकाल रहे हैं हाँ। तो उस समय देखो हम आपको परमात्मा शक्तियाँ दे रहे हैं, तो फील करने का कि हम परम पवित्र श्रेष्ठ आत्मा है और अथाह शक्ति गन्ना में जा रही ओके। और फिर उसी समय वो निकालने के बाद
फिर गन्ने के पोछने का, आपके आजू बाजू की सफाई की कैसे लगा आपको? आपको परमात्मा शक्ति भी दी, कैसे लगा आपको? अच्छा लगा? तो इसका एक अनुभव भी बहुत बड़ा है जो मैं यहाँ आने के पहले 10 दिन पहले किया हुआ है। हाँ, प्लीज शेयर कीजिए। तो एक अनुभव ऐसा था कि हमारे यहाँ कारदगा है, कर्नाटक क्षेत्र में आता है लेकिन हुपरी कनेक्शन से नजदीक है जी, जी। तो एक भाई ने 2 एकड़ खेती अपने को करने के लिए दिए, योगिक खेती के लिए दिया हुआ जी, है जी, जी। जो हाँ प्रात्यक्षिक चल रहा है, तो वहाँ भी 2nd नंबर का गन्ना आया हुआ है, 3 मास का गन्ना है। तो उसका घास फूस निकालना था, तो गांव की करीबन 40 माताएं आजू बाजू की घास फूस निकालने के लिए आई थी, तो 9 बजे से काम कर रही थी। तो मुझे लगता है अप्रैल 28 तारीख थी उस दिन, और बहुत धूप थी। और हम लोग उनका भोजन लेके 11:30 बजे वहाँ पहुँचे, फिर उनके साथ बात की। तो बात करने के बाद हमने 15 मिनट योग करवा लिया जी। और पवन को भी बोला कि हे पवन राज, हम आपके यहाँ धरती माँ को खुश करने के लिए, धरती माँ को खूब मना स्वच्छ बनाने के लिए यहाँ पर सेवा करने आए हैं, तो आप भी हमें सहयोग देना। और फसलों को बोला कि कल हमने आपको नहीं बताया था लेकिन हमें माफ कर देना, लेकिन अभी से हम आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे और आप हमें सहयोग देना। हे माँ, पहले हमें आपको बताना चाहिए था लेकिन हमारी भूल हुई, आप हमें हेल्प कर देना। फिर माताओं को सिखाया कि आप एक एक अभी आपस में बात नहीं करो, आप पौधों से बात करो और फील करो कि परमात्मा यहाँ आए हैं, वो पौधों को शक्ति दे रहे और अप निकाल रहे, और सेवा भाव बुद्धि में लाओ, काम कर रहे ये भाव बुद्धि में नहीं लाओ, सेवा भाव बुद्धि में लाओ। बिल्कुल ठीक। तो फिर माताएं 12 बजे काम करना बंद करने वाली थी जी, तो उन्होंने 2:30 बजे तक काम किया उसी धूप में। हाँ, उसी धूप में भोजन नहीं किया, 9 बजे से 2:30 बजे तक काम किया। अरे। और फिर मैंने माताओं को पूछा आपको कैसे लगा, तो माता ने कहा देखो दीदी, हम 12 बजे बंद करने वाले थे, तो 2:30 बजे तक हमने काम किया, तो आप समझो कि हमने करीबन 2.5 घंटा ज्यादा काम किया, तो हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि हम एसी में काम कर रहे हैं। तो 11:30 बजे उनको एसी का अनुभव नहीं हो रहा था जी। क्योंकि एसी वो काम कर रही थी, कोई मन में संकल्प बुरा भी नहीं था तो अच्छा भी नहीं था, लेकिन बाबा के सेवा में है, बाबा के खेत का काम करे इतना संकल्प था। लेकिन जैसे हवा से बात की, धरती से बात की, फसल से बात की, तो वातावरण वायुमंडल चेंज हो गया जी। और जहाँ 12:15 बजे तक काम करने वाले थे वहाँ 2:30 बजे तक काम किया, कार्यक्षमता भी बढ़ गई, बढ़ गई प्रकृति के सहयोग से, और प्रकृति भी चेंज हो गया। इतनी धूप में ठंडी हवा बहना तो कमाल हो गया कुदरत का। ऐसे भी कह सकते हैं कि संकल्पों में हमारी कितनी ताकत है कि हम परिवर्तन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके अनुभव बड़े लाजवाब होते हैं, इसलिए जैसे ही आपने कहा कि अनुभव है, मैंने कहा अवश्य सुनाइए। दोस्तों, जैसे जैसे हर स्टेप पर राजयोग का प्रयोग हम कृषि में जान रहे हैं, हमें क्लियर होता जा रहा है, स्पष्ट होता जा रहा है कि शाश्वत यौगिक खेती है क्या। घास काटते वक्त घास से किस प्रकार की बात करना, घास काटते वक्त फसल से किस तरह की बात करना, घास काटते वक्त धरती माता से किस तरह की बात करना, और फिर योग में बैठ करके वाइब्रेशन देना, ये स्पष्ट होता जा रहा है। खेती के बाकी नियमों का ख्याल आप रखते आए हैं, लेकिन अब वक्त की ज़रूरत है, समय की पुकार है कि शाश्वत यौगिक खेती को शामिल किया जाए। और शाश्वत यौगिक खेती हमारा संबंध जोड़ती है प्रकृति के साथ, परम पिता परमात्मा के साथ, फसल के साथ। मनीषा दीदी, आप अपना कीमती समय लेकर के हमारे स्टूडियो में आते हैं, और शाश्वत यौगिक खेती में राजयोग का प्रयोग किस तरह से होता है बहुत अच्छे से, विस्तार से, सरल शब्दों में, सहजता से बता रहे हैं, आपके अनुभव हमारे काम में आ रहे हैं, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। दीदी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, शाश्वत यौगिक खेती को और भी विस्तार से समझना बाकी है। अभी हमने बीज संस्कार, प्रकृति से संबंध स्थापित करना, फसल काटते वक्त किस तरह की वाइब्रेशन देना,
कीटनाशकों के प्रयोग के समय किस तरह की वाइब्रेशन देना, इन सभी विषयों पर चर्चा की है। लेकिन अब बारी आती है फसल काटते वक्त हम किस तरह के वाइब्रेशंस देते हैं, इस विषय पर चर्चा करने की। लेकिन फिलहाल घड़ी की सुइयां कर रही हैं इशारा कि आपसे लें इजाज़त। अगर आपका कोई सुझाव है या आपका कोई सवाल है तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम की अगली कड़ी में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।